रामगढ़ वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र के बड़गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रविवार शाम की है। इस घटना को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। घटना की सूचना पाकर रामगढ़ एसडीपीओ किशोर कुमार रजक, वेस्ट बोकारो ओपी प्रभारी बलवंत दुबे घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक शोएब के शव को अपने कब्जे में लेकर अपराधियों की तलाश में जुटी हुई है। मृतक भारत फाइनेंस के ऑफिस में कार्यरत था। भारत फाइनेंस ऑफिस में उसके साथ दो और साथी भी काम करते थे। रविवार की शाम शोएब के साथ कार्य करने वालों की बीच आपस में कुछ कहा सुनी हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि एक साथी ने पिस्तौल निकालकर तुरंत गोली चला दी। गोली शोएब के सिर में लगी जिससे उसकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई। घटना के बाद गोली मारने वाले फरार हो गए। पुलिस ने पिस्टल घटनास्थल से बरामद कर लिया और भारत फाइनेंस के ब्रांच कैशियर को पूछताछ के लिए भी अपने साथ ले गई। पुलिस के द्वारा बरामद किए गए पिस्टल के बारे में अब तक किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन परिजन आरोप लगा रहे हैं कि फाइनेंस कंपनी वाले अपने स्टाफ को वसूली के लिए पिस्टल कर रखते हैं। बहरहाल पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। कंपनी के साजिश है, इसकी हत्या कंपनी के साजिश के द्वारा किया गया। किसी एक उसमें से किसी का गिरफ्तारी भी हुआ था, पूछताछ भी पुलिस जो है कर रहे हैं? जी हाँ, हम लोग यहाँ पर आए तो एक बबलू नाम का व्यक्ति जो आई विटनेस है वो भी प्रेजेंट में था। वही व्यक्ति जो है से ये सारा रिपोर्ट हम लोग को दिया है। वही बताया कि अभिजीत कुमार जो है अपने रिवाल्वर से उसको सिर में गोली मारा है और वहाँ से फिर भाग निकला। जो आप लोगों के आवेदन थाना में दिलाया, एफआईआर कॉपी जो बना, इससे कितने संतुष्ट हैं आप? हम लोग जो है से अपने स्तर से अभी आवेदन नहीं दिए हैं क्योंकि आई विटनेस के आधार पर एफआईआर लॉन्च किया गया है, पर अभी जो है से हम लोग एक आवेदन दे रहे हैं जो कंपनी के विरुद्ध दे रहे हैं, क्योंकि कंपनी जो है इस तरह का रिवाल्वर दे करके आए दिन अपने। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देशानुसार राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी के हुए विरोध का आज बोकारो जिला कांग्रेस कार्यालय दुंदीबाग में जिला अध्यक्ष उमेश प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में काला बिला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। असम सरकार और केंद्र सरकार का इन लोगों ने विरोध जताया। जो न्याय यात्रा निकला हुआ है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसका शाम में हमला किया गया और वहाँ स्थित शंकर देव जी का जो मंदिर है उस मंदिर में जाने से भी रोक दिया गया। हमको नहीं समझ में आ रहा कि राम किनका है और ये हिंदू राष्ट्र के भाषा पढ़ाने वाले हमारे मूर्ख प्रधानमंत्री जो पूरे देश में एक माहौल बना कर रखे हुए, ये यात्रा को कौन रोका? यात्रा के भाजपा के सब कार्यकर्ता रोके। यहाँ सामने देखें आप, इसमें आपने देखा होगा कि देश रंगमय है, लेकिन जी 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। रंगमय है, ठीक है, आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, अच्छी बात है, एक महापर्व के रूप में मनाया जा रहा है, अच्छी बात है, सबके लिए राम है, निजी एक किसी व्यक्ति का राम नहीं है। उसमें हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी मंदिर जा रहे थे, उनको रोक दिया गया, उसी रोकने के विरोध कर रहे हैं, आज विरोध प्रकट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश में सबका हक है, हिंदू कभी नहीं कहता कि नमाज मत पढ़िए और मुसलमान कभी नहीं पढ़ता कि मंदिर में पूजा मत कीजिए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये रोज़ एक नया प्रगंडा खड़ा हो रहा है, एक नया रूप तैयार किया जा रहा है सिर्फ धर्म। बोकारो में मतदाता सूची का आज अंतिम प्रकाशन किया गया है और इस दौरान सभी लोगों से अपील की गई है कि वो मतदाता सूची में अपना नाम देख लें। निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव में 1581 मतदान केंद्रों पर जिले के 14,53,220 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 2024 का फाइनल पब्लिकेशन हो गया है जिसके तहत पूरे जिले के सभी 1581 जो बूथ हैं उन पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है सभी BLOs के माध्यम से। इसके साथ साथ सभी मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल हैं उनके सदस्यों के साथ भी बैठक करके उनको भी फाइनल पब्लिकेशन की कॉपी दे दी गई है और आप लोगों के माध्यम से सभी जगह हम ये बताना चाह रहे हैं कि अब इस पूरी प्रोसेस के बाद जो हमारे SSR का जो फाइनल इलेक्टर की जो प्रोफाइल निकल के आई है, वर्तमान में हमारे डिस्ट्रिक्ट में 14,53,220 टोटल इलेक्टर्स हैं जिसमें से 7,52,500 मेल वोटर्स हैं और 7,720 फीमेल वोटर्स हैं। कुल नए मतदाताओं को जो इसमें जोड़ने की प्रक्रिया की गई है वो 52,699 हैं
और डिलीशन का जो कार्य किया गया है वो 35,838। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारे केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339।